Your dream property is our mission. एक मिनट. Oh my God, मैं भूल गई. यहाँ पे एक हमें स्टोर रूम प्रोवाइड किया गया है. सुषमा जॉइनिस MOH. ये जो एरिया है पूरी ट्राई सिटी से हमें कनेक्ट करता है. 13 acres की लैंड में पूरा एरिया बिल्ट है. यहाँ पे 400+ फैमिलीज इस टाइम पे रिजाइड कर रही हैं. प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो रहेगी 86 lakhs. कैन यू इमेजिन, यहाँ पे हमें एक बेसमेंट प्रोवाइड कर दी गई है. तो यहाँ पे एक सीजनल प्लांटेशन का ध्यान रखा जाता है. प्योर एयर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मैं ब्रीथ कर रही हूँ. मतलब आई कैन लिटरली फील इट. जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी हम बहुत अच्छे से सेव कर पाते हैं. वाओ, दिस इज अमेजिंग. कितना ब्यूटीफुली ये डिजाइन है इस टाइम पे. ये वॉल पे जो वुड वर्क है, दिस इज सो ब्यूटीफुल. गाइज, ये हमारा यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है. यहाँ पे पूरी जैगुआर की फिटिंग्स की गई है. वाओ, ये बेडरूम कितना अमेजिंग है, कितना अच्छा लग रहा है. यहाँ इस रूम में वेंटिलेशन के लिए हमें प्रॉपर विंडोज दी गई है और व्यू भी अच्छा है बाहर. इन विंडोज में साउंड प्रूफिंग की गई है. वेट वेट, पहले हम अपना किचन विजिट कर लेते हैं. लेट्स गो. कितना अमेजिंग है, यहाँ तो खाना बनाने का मजा ही बहुत आएगा. आई थिंक और भी हम अपने प्लांट्स यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइक सी लेमन एंड ऑल, हम सब यहाँ पे लगा सकते हैं. अब हम अपना सेकेंड बेडरूम विजिट कर लेते हैं. तो अमेजिंग है ना, हम हर रूम की अपनी एक बालकनी है. ग्रीन एनवायरमेंट आपको घर के अंदर भी प्रोवाइड हो रहा है. मतलब अभी वॉशरूम में जैगुआर की फिटिंग की गई है. या एंटी स्केटिंग टाइल्स है, मतलब मेन पैकेज बचता है. ये है हमारा मास्टर बेडरूम. कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, मेरा तो मन नहीं करेगा यहाँ से वापस जाने का. यहाँ पे आके किसका वापस जाने का मन करेगा? आई कैन नॉट थिंक किसी का जाने का मन करेगा. यार कितनी बड़ी बालकनी है ये भी. इस वाले को हेलो भी बोल सकते हैं. और ऐसी अमेजिंग प्रॉपर्टीज को विजिट करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विच इज missionproperty.in. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन प्रॉपर्टी. मेरा नाम है बारबी शर्मा और आज हम आ गए हैं सुषमा की एक प्रॉपर्टी विजिट करने, जिसका नाम है सुषमा जॉइनिस MOH. ये जो प्रॉपर्टी है ये PR7 एयरपोर्ट रोड पे लाई करती है. यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड का रोड है जैसे आप देख रहे हैं, ये कनेक्ट करता है न्यू चंडीगढ़ एंड मोहाली. और ये जो राइट वाला एरिया है ये कनेक्ट करता है हमारा अंबाला चंडीगढ़ हाईवे और जाता है पंचकुला की तरफ. ये जो एरिया है पूरी ट्राई सिटी से हमें कनेक्ट करता है. बहुत ही अच्छे से सारा एरिया हमें कन्वीनियंटली हम कनेक्ट कर सकते हैं. आइए अब चलते हैं हम इसके मेन गेट की तरफ. अब हम आ गए हैं अपने प्रॉपर्टीज की एंट्रेंस पे. ये देखिए कितनी ग्रैंड एंट्रेंस है. 100 meters का ये एरिया है. बहुत ही बड़ा और ग्रैंड रॉयल एंट्रेंस है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं. आइए, यहाँ पे हमें सेपरेट एग्जिट और एंट्री एरियाज दिए गए हैं. ये देखिए दोनों साइड कितनी अच्छी ग्रीनरी हमें दी गई है. ये जो रोड है ये 100 meters का एरिया है फ्रॉम द मेन रोड टू द बिल्डिंग्स. इसलिए ये एक कट प्रोवाइड करता है हमें, जिससे नॉइस जो है, रोड की नॉइसेस जो है, जो हमारे अपार्टमेंट से बिल्कुल कट आउट हो जाती है, जिस वजह से एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट हमारे बिल्डिंग्स को प्रोवाइड होता है. अब जैसे कि हम गाँव में देख सकते हैं कि हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है, लेकिन वहाँ पर लग्जरी नहीं मिल पाती शहरों की. लेकिन शहरों में हमें लग्जरी मिलती है, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड कभी हमें प्रोवाइड नहीं होता. और जो हमारा MOH, जो जॉइनिस्ट MOH है, उसकी यही खास बात है कि यहाँ पे हमें लग्जरी मिल रही है इन द लैप ऑफ नेचर, विच इज़ नॉट पॉसिबल आजकल कहीं भी शहरों में. दोस्तों, अगर हम इस प्रोजेक्ट के टोटल एरिया की बात करें तो ये 13 acres की लैंड में पूरा एरिया बिल्ट है. यहाँ पे 400+ फैमिलीज इस टाइम पे रिजाइड कर रही हैं. एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इधर कॉन्फ़िगरेशन की, यहाँ पे 2 BHK फ्लैट्स हमें प्रोवाइडेड है, 3 BHK फ्लैट्स भी हमें प्रोवाइडेड है. 3 BHK फ्लैट्स में 2 categories हैं, विच इज़ अ प्रीमियम एंड एग्जीक्यूटिव. इस प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो रहेगी 86 lakhs. और अगर पास की बात करें तो जो सुषमा है उन्होंने 15 सालों में 14 प्रोजेक्ट्स हमें डिलीवर किए हैं. कैन यू इमेजिन, और पूरे ट्राई सिटी में एक ना एक प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आपको जरूर सुषमा का मिल जाएगा. गाइज, अब हम ये 100 meters का एरिया कवर करके पार्किंग के पास पहुंच चुके हैं. अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमें एक बेसमेंट प्रोवाइड कर दी गई है. ये बेसमेंट जो है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के सक्शंस लगाए गए हैं, ताकि एक बहुत ही अच्छा AQI अंदर मेंटेन्ड रहे. और बेसमेंट में तो AQI मेंटेन किया ही गया है. एट द सेम टाइम ऑन द सर्फेस ऑल्सो यहाँ पे एक सीजनल प्लांटेशन का ध्यान रखा जाता है, ताकि बहुत ही एक लश ग्रीन एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएटेड रहे ऑल द टाइम. यहाँ का AQI और टेम्परेचर जो है
बाहर से बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्योर एयर यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है मैं ब्रीथ कर रही हूँ. मतलब आई कैन लिटरली फील इट कि जब मैं बाहर से आई हूँ और अब यहाँ हूँ तो कैसे यहाँ पे एक एयर डिफरेंस है. अब अगर बिल्डिंग्स की बात करें जो इनका जो लीनियर स्ट्रक्चर है ना वो एक विंडो और सरफेस की बहुत ही अच्छी रेशो प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से जो बिल्डिंग्स है उनमें लाइट जो है वो बहुत अच्छी जाती है, टेम्परेचर जो है लाइक हीट जो है वो बहुत कम जाती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी हम बहुत अच्छे से सेव कर पाते हैं. बहुत ही स्मार्टली बिल्ड की गई हैं ये हमारी बिल्डिंग्स जो हैं. तो गाइस हमने ये सब तो देख लिया, अब हम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट की ओर. सैंपल फ्लैट जो है उसकी 3 BHK वो है और उसकी डायमेंशंस हैं 1640 square feet. आइए चलते हैं, लेट्स विजिट द सैंपल फ्लैट्स. ओके गाइस तो अब हम पहुंच गए अपने सैंपल फ्लैट में, तो आइए अंदर चलते हैं. कम ऑन, वाओ दिस इज अमेजिंग. ये है हमारा सैंपल फ्लैट जो हम जहाँ पहुँच गए हैं. ये है लिविंग एरिया एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया. दिस इज सो अमेजिंग, कितना ब्यूटीफुली ये डिज़ाइंड है इस टाइम पे. यहाँ पे ये जो हमारा लिविंग एरिया है दिस इज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 12x11. आप देख सकते हैं इतनी स्पेशियस है ये. यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है 7 seater, फिर भी कितनी स्पेस यहाँ पे बच जाती है हमारे घूमने के लिए. ये हमारा डाइनिंग एरिया है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली ये डिज़ाइंड है. 10x11 की डायमेंशंस है हमारी डाइनिंग एरिया की, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है और कितना स्पेशियस है आप देख रहे हैं यहाँ पे. और यहाँ पे पूरा टाइलिंग वर्क हुआ हुआ है और ये वॉल पे जो वुड वर्क है दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. मतलब ये रूम को एक लग्जरी फील देता है, प्रॉपर लग्जरी फील. तो गाइज जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि एक 3 BHK फ्लैट है विद 3 washrooms, तो चलिए विजिट करते हैं हम अपना फर्स्ट बेडरूम. और यहाँ पे गाइज ये हमारा यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है, आप देख सकते हैं कितना लग्जरी वॉशरूम है ये. यहाँ पे पूरी जैगुआर की फिटिंग्स की गई हैं इस वॉशरूम में. इस वॉशरूम की डायमेंशंस हैं 7x5. अब हम विजिट कर लेते हैं अपना फर्स्ट बेडरूम. आइए, वाओ ये बेडरूम कितना अमेजिंग है, कितना अच्छा लग रहा है. यहाँ पे ये हमें LED पैनल दिया गया है और अलॉन्ग विद दैट हमारे पास ब्रॉडबैंड यहाँ पे फिक्स्ड है और DTH सर्विसेज भी फिक्स है, तो हमें एक्सटर्नली कुछ वायरिंग नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे. और ये अलमीरा दी गई है, डबल डोर अलमीरा है, काफ़ी स्पेशियस है अलमीरा भी, देख सकते हैं. इस रूम में वेंटिलेशन के लिए हमें प्रॉपर विंडोज़ दी गई हैं और व्यू भी अच्छा है बाहर. रूम की डायमेंशंस हैं 13x11. यहाँ पे जो हमारी विंडोज़ है इन विंडोज़ में साउंड प्रूफिंग की गई है, डबल ग्लेज्ड हैं, तो जो हमारा आउटसाइड नॉइसेस हैं या डिस्टर्बेंसेज हैं कोई भी अंदर नहीं आ सकते, तो ये एक बहुत ही पीसफुल सा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. अब हम अपना विजिट कर लेते हैं दूसरा बेडरूम. आइए, वेट वेट, पहले हम अपना किचन विजिट कर लेते हैं, लेट्स गो. वाओ कितना अमेजिंग है, यहाँ तो खाना बनाने का मज़ा ही बहुत आएगा. आई थिंक यहाँ पे आपको सॉकेट्स दिए गए हैं हर चीज़ के लिए, फॉर रेफ्रिजरेटर, फॉर लाइक माइक्रोवेव एंड बहुत सारी फिटिंग्स दी गई हैं. तो आप बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स यहाँ फिक्स कर सकते हैं. यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए ये मॉड्यूलर फिटिंग में अलग ड्रॉर्स दिए गए हैं, ये सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर्स हैं. और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इस किचन की विच इज़ द ट्राइंगल बिटवीन ये सिंक, हॉब और हमारा रेफ्रिजरेटर, जिससे हमारी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है काम करने की. और ये बहुत ही साइंटिफिकली बिल्ड किया गया है, इसलिए यहाँ पे हमें डबल सिंक प्रोवाइड किया गया है और RO फिटिंग के लिए भी स्पेस दी गई है. यहाँ पे हमें एक यूटिलिटी बालकनी भी दी गई है. कम लेट्स सी, लॉक्ड है, आ जाइए. इसको हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं और भी हम अपने प्लांट्स यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइक जो भी किचन से रिलेटेड प्लांट्स होते हैं लाइक तुलसी, लेमन एंड ऑल, हम सब यहाँ पे लगा सकते हैं. कम ऑन लेट्स सी द नेक्स्ट व्हाट इज इन लाइन. अब हम अपना सेकेंड बेडरूम विजिट कर लेते हैं. आइए, ये बेडरूम भी बहुत ही स्पेशियस है. यहाँ पे भी वॉशरूम हमें प्रोवाइडेड है 7x5 का और ये बेडरूम जो है इसकी डायमेंशन है 11x13. यहाँ पे भी एक वार्डरोब हमें प्रोवाइड की गई है. ये वार्डरोब बहुत ही ब्यूटीफुल है, सॉफ्ट क्लोजर वार्डरोब्स है ये भी. एंड फॉर वेंटिलेशन यहाँ पे भी एक बालकनी प्रोवाइडेड है हमें, ये बालकनी इधर प्रोवाइड की गई है. मतलब कितना अमेजिंग है ना, हम हर रूम की अपनी एक बालकनी है, अपना एक स्पेस मिल जाता है हर रूम में हमें. और यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल प्लांट्स लगाए जा सकते हैं ना, मतलब एक ग्रीन एनवायरनमेंट आपको घर के अंदर भी प्रोवाइड हो रहा है. मतलब इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल दैट इज. कम ऑन, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीज़ें बचती हैं. कम ऑन, हम वॉशरूम एक बार देख लेते हैं इसका. इसकी डायमेंशन है 7x5.
वॉशरूम भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुली बिल्ड है. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पूरे सभी वॉशरूम में जैगुआर की फिटिंग की गई है. एंड यहाँ पे आई थिंक एंटी स्किडिंग टाइल्स लगी हुई हैं. या एंटी स्किडिंग टाइल्स हैं, ठीक है. काफ़ी अच्छा वॉशरूम है. इट्स चलो अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी तो मतलब मेन पैकेज बचता है. अब हम देखते हैं अपना मास्टर बेडरूम. कम ऑन लेट्स सी. ये है हमारा मास्टर बेडरूम और कितना ज़्यादा स्पेशियस और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है. मेरा तो मन नहीं करेगा यहाँ से वापस जाने का, सच में. यहाँ पे भी LED पैनल के लिए हमें स्पेस दी गई है और वार्डरोब भी है. और इस वार्डरोब की खास बात ये है, ये फ्लश्ड वार्डरोब्स हैं. मतलब जो हमारा रूम का एरिया है उसको ये बिल्कुल ऑक्यूपाई नहीं करेगी, ये वॉल के अंदर ही बिल्ड है वार्डरोब. और साथ ही में ये फुल लेंथ वार्डरोब है, जैसे कि आप देख सकते हैं. इट्स रियली ब्यूटीफुल और कलर्स बहुत अच्छे से ब्लेंड किए गए हैं सभी. हम एक बार वॉशरूम विजिट कर लेते हैं इसका. 5x8 की डायमेंशंस का ये वॉशरूम है. वाओ, परफेक्ट फॉर मास्टर बेडरूम. मतलब यहाँ पे आके किसका वापस जाने का मन करेगा? आई कैन नॉट थिंक किसी का जाने का मन करेगा. यहाँ पे हम इसकी बालकनी भी चेकआउट कर लेते हैं एक बार. यार कितनी बड़ी बालकनी है ये भी, उस वाले को हेलो भी बोल सकते हैं. मतलब मास्टर बेडरूम के लिए परफेक्ट बालकनी है, बहुत स्पेशियस है और व्यू बहुत अच्छा है. मतलब व्यू इज़ ऑल दैट मैटर्स. इतना पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे, लश ग्रीन, और कितनी प्योर एयर होगी यहाँ पे, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती. सो गाइज, आज हमने आपको दिया है एक टूर सुषमा MOH का, ठीक है. सुषमा जॉइनिस्ट MOH का हमने आपको एक पूरा टूर दिया है आज, जिसमें हमने पहले जो एंट्री एग्जिट था, जो ग्रैंड एंट्री हमने देखी, और जो एक 100 मीटर्स का एरिया जो है मेन रोड से आपको प्रोवाइड किया गया, वहाँ पे हमने आपको सारा विजिट करवाया. जो लश ग्रीन एनवायरनमेंट था वो हमने आपको विजिट करवाया. और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं ये सिंपल फ्लैट देखने. एक मिनट, ओ माय गॉड, मैं भूल गई. यहाँ पे एक हमें स्टोर रूम प्रोवाइड किया गया है. स्टोर रूम कम पूजा रूम, इसको हम जैसे भी लाइक फॉर अकॉर्डिंग टू एज पर आर कन्वीनियंस हम इसे यूज कर सकते हैं. 3 BHK के साथ हमें ये स्टोर रूम भी प्रोवाइड किया गया है, जिसे हम एज पर आर कन्वीनियंस यूज कर सकते हैं. इसे हम एज अ पूजा रूम यूज कर सकते हैं, या स्टोर रूम यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी हम चाहें, लाइक जो भी सामान हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं यहाँ. सो गाइस, प्लीज हमें हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बिकॉज हम और प्रॉपर्टीज आपके लिए लेके आएंगे और ऐसे ही हम नया नया कंटेंट आपको दिखाते रहेंगे. अगर इस फ्लैट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है कहीं शायद, वहाँ पे आप उसको कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हमें पुट अप कर सकते हैं. एंड विल आंसर एंड विल कम बैक टू यू. और ऐसी अमेजिंग प्रॉपर्टीज़ को विजिट करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विच इज़ missionproperty.in. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन प्रॉपर्टी. योर ड्रीम प्रॉपर्टी इज़ आर मिशन. थैंक यू.